नमस्कार गाइस, मैं हूं प्रकाश और इस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम सीखेंगे राग यमन। तो राग यमन सीखें उससे पहले मैं हल्का सा इसका आपको एक परिचय दे देता हूं। साथियों, राग यमन थाट कल्याण पर आधारित है, इसी से उत्पन्न हुआ है। और इस राग की जो जाति है वो संपूर्ण मानी गई है। इसमें तीव्र माँ का प्रयोग होता है और इसका जो गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसका जो वादी और संवादी स्वर है गंधार और निषाद है। तो आइए अब इसका हम आरोह और अवरोह करते हैं, उसके बाद करेंगे पकड़। सबसे पहले आरोह। पकड़ करते हैं। नीरे गारे नीरे सा, नीरे गारे नीरे सा, पामा गारे नीरे सा, पामा गारे अभी हमने सीखा इस राग का आरोह अवरोह और पकड़। अब हम इस पर आधारित एक बंदिश हम करेंगे। बंदिश जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बनाई वो तो YouTube पर पड़ी हुई है, बट हम अलग से करेंगे एक दूसरी, जो आप लोगों ने जिस बंदिश को या जिस कहे कि जिस पंक्तियों को आपने बहुत बार सुना है। तो जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरे बिहारी, उसको हम तीन ताल और 16 मात्रा पे फिट करेंगे और उसी का आरोह और अवरोह करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये तीन ताल 16 मात्रा पे जो इसका आरंभ है नवी मात्रा से स्टार्ट है। ठीक है, यहां से नौवीं मात्रा नी नी द प म प, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, नी नी द प म प ग म प म ग रे मंगल भवन
मंगल अभी इसको हम तीन ताल सोलह मात्रा में करेंगे, ठीक है। नी नी द प म प ग म प म ग नी नी र स स मंगल बावन मंगल तो गाइज ये मैंने इसको तीन ताल और सोलह मात्रा पे आपको करके बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही था, राग यमन के बारे में थोड़ा परिचय और उसका चलन पकड़, उस पर उसके आरोह अवरोह और उस पर आधारित कोई भी एक बंदिश। ये बंदिश जो मंगल भवन है मंगलहारी, ये मेरे द्वारा इसको सेटल की गई है तीन ताल सोलह मात्रा पर। ये आपको यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलेगी, तो आप जो आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं। बट ये मेरे को लगता है कि सुनी हुई है चीज़ें तो जल्दी समझ में आती हैं। इसकी नोटेशन अगर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा साथ में, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।